बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट इंटर में एडमिशन के लिए इस बार ऑनलाइन किए थे 2020 में, तो उन सभी स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोग को जारी कर दिया गया है। यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोग को किस कॉलेज में आप लोग को एडमिशन लिया जाएगा उस कॉलेज का नाम आप लोग को दे दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट किस तरह से आप लोग को चेक करना इस वीडियो में बने रही आप लोग को मैं बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप, वो भी आप घर बैठे आप लोग को चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से हर छोटी बड़ी न्यूज आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट का मैं ओपन किया हूँ, तो आप लोग को ओपन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा उसके लिए आपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या गूगल में आप लोग को आ जाना है, एफएसएस बिहार आप लोग को टाइप करना है। तो यहाँ पर आप लोग को एफएसएस बिहार यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, एफएसएस बिहार यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को .in आप लोग को आने के बाद फिर से सर्च वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो फिर से एक नया पेज ओपन होकर आएगा, और नया पेज आप लोग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप लोग को इस तरह से पेज अगर ओपन होकर आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को 3 डॉट वाले पर सिंपल से क्लिक कर देना है। तो 3 डॉट पर आप लोग को क्लिक करिएगा तो स्क्रॉल करने के बाद आप लोग कुछ ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन पर आप लोग को स्टूडेंट लॉगिन पर आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट लॉगिन पर आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो फिर से एक नया पेज ओपन होकर आएगा, और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट नामांकन हेतु आवेदन करने आवेदक, यहाँ पर आप लोग को क्लिक करें। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप लोग को सिंपल से क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करिएगा तो फिर से एक नया पेज ओपन होकर आएगा, और वो पेज आप लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आप लोग 1-2 सेकंड वेट करिएगा तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट में आप लोग को देख सकते हैं बताएगा कि अपना मोबाइल नंबर नीचे जिस माध्यम से आप एप्लीकेशन भरे थे, यानी ऑनलाइन करते वक्त जो आप मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर को फर्स्ट में फिलअप कर देना है। और साथ ही साथ आप लोग को जो सेकंड की बात किया जाए, तो आप लोग ऑनलाइन करते वक्त आप लोग को OTP दिया होगा, तो उस सेकंड में आप लोग को ऑनलाइन करते वक्त जो OTP दिया गया होगा वो फिलअप कर देना, और थर्ड में आप लोग को जो कैप्चर दिया गया है वो आप लोग को फिलअप कर देना। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से फिलअप कर लेता हूँ सिंपल से आप लोग को कुछ नहीं। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं फर्स्ट में आप लोग को मोबाइल नंबर, सेकंड में पासपोर्ट जो OTP दिया गया था वो आप लोग को फिलअप कर लेना, और थर्ड में आप लोग को कैप्चर को फिलअप कर लेना, और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो सबमिट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग को थोड़ा वेट करना होगा, और पेज आप लोग को ओपन होने में थोड़ा स्लो होता है। तो यहाँ पर फिर से पेज ओपन होकर पूरी तरह से आ जाएगा, और आप लोग जो ऑनलाइन करते वक्त तो फोटो दिए थे उस फोटो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, और आप लोग को नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एप्लीकेशन नेम यहाँ पर आ जाएगा, और जेंडर आप लोग को आ जाएगा, और कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग को जो ऑनलाइन करने वक्त आप लोग को जिस कॉलेज में जितना आप लोग ऑप्शन भरे थे उस कॉलेज का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को ये देखना होगा कि किस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, और कौन सा फैकल्टी से आप लोग को एडमिशन लिया गया, उसके लिए आप लोग को सिंपल से 3 डॉट वाले पर क्लिक कर देना है। तो 3 डॉट वाले पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो फिर से आप लोग कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड एलिमिनेशन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो आप लोग को डाउनलोड एलिमिनेशन पर क्लिक करिएगा तो फिर से नया पेज ओपन होकर आएगा, और यहाँ पर आप लोग को पूरी तरह से जो ऑनलाइन करते वक्त आप लोग दिए थे वो एप्लीकेशन नेम यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ही साथ फादर का नाम आ जाएगा और मदर का नाम आएगा यहाँ पर, और जन्म तिथि से देख सकते हैं। और ये आप लोग कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए आप लोग को ओपन होकर आ जाएगा, और आप लोग को कुछ नोटिस दिया गया है जो नोटिस के सभी स्टूडेंट को पढ़ लेना है, और साथ ही साथ आप लोग को जो बताया जाएगा इसमें कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं इस स्टूडेंट का जो नाम आया गया कॉलेज गया में इनका एडमिशन होगा। और साथ ही साथ फैकल्टी की बात किया जाए तो सकाय इनका आप लोग को साइंस से लिया गया था यह स्टूडेंट का, और इनका एडमिशन लिया जाएगा। आप लोग को बात किया जाए तो देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका सूची में नाम आ गया है, और साथ ही साथ आप लोग को एडमिशन के लिए देख सकते हैं आवेदन दिनांक आप लोग को 7 से आप लोग को 12 तक दिया गया है। आप लोग जिस कॉलेज में आपका नाम आता है तो वहाँ से 7 से 12 तक आप लोग जाइए, वहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट में आप प्रोसेस दिया जाएगा। तो अगला वीडियो जो मेरा रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेगा, और साथ ही साथ कैसे आप लोग को एडमिशन मिलेगा, साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का अगर मेरिट लिस्ट में इस तरह से नाम नहीं आता है तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा, अगला वीडियो रहेगा उसी टॉपिक पर। तो जो भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।